अब अगर वो आए नमाज पढ़ाने के लिए और जैसे पहली तकबीर कहे फौरन वो उठ के खड़े हो जाओ, हम लोग पीछे से ताली बजाएंगे कि बताओ बड़ा सोहरा है वलायत का, इनका इतने नहीं पता है कि मुर्दा है। तो ये मशवरा तो हो गया। तो नौजवानों ने आपस में कहा कि आखिर लेटेगा कौन, ये तो बताओ लेटेगा कौन, क्योंकि आपकी विलायत इतनी मशहूर थी कि अंदर अंदर से डर भी नहीं। ये था कि लेटेगा कौन। एक नौजवान तैयार हुआ जो पांव से मजबूर था, कहा चलो अभी अब वो उसको कफन पहनाया गया, चारपाई पे लिटाया गया और उसके बाद भी कुछ नौजवान दौड़े दौड़े गए, कहा हुजूर चलिए नमाज पढ़ा दीजिए, बड़ा मतलब हो गया, नौजवान था, इंतकाल हो गया। अरे कहा ठीक है इंतकाल हो गया तो और लोग हैं किसी से पढ़वा लो, हम ही से भी पढ़वा। अरे हुजूर आपके होते हुए हम दूसरे से पढ़वा, धोखा देने वाले ऐसे करते हैं, बोलो है कि नहीं। अरे हुजूर आपके होते हुए हम दूसरे से, कहा अच्छा तो हम ही से पढ़वाओगे। हाँ कहा ठीक है, जोहर की नमाज के बाद मैदान में ले नमाज से फारिग होगा उसके बाद में पढ़ा। अब वो जोहर की नमाज का इंतजार करते रहे, जोहर की अदान कब होगी कब होगी, नमाज तो पढ़ने नहीं था उनको, इंतजार लेना था, वो इंतजार करते रहे करते रहे। जोहर का वक्त आया, मुअज्जिन ने हय्या अलस्सलाह हय्या अलफलाह की सदाएं बुलंद की, उसके बाद नमाज पढ़ी गई। दरवाजे पर आए, हुजूर चलिए जनाजा आ गया। अच्छा चल लिए मैदान पे पहुंचे, आपने पूछा कि ये बताओ कि मुर्दा है कि जिंदा है। अरे सरकार कैसी बात कर रहे हो, अगर जिंदा होता तो भी उसको लेकर आते। अरे ये मुर्दा है, मुर्दा जिंदा होता तो बुलाते, जिंदगी के थोड़ी ना नमाज होती। कहा अच्छा सोच लो, कहा सरकार सब सोचा है, सोचना नहीं, कहा सोच लो, कहा सब सोचा हुआ, कहा इस जनाजे का वली कौन है, उसका बाप भी था वो भी उसमें शामिल है, कहा सरकार कहा सोच लो भाई, कहा सब ठीक ठाक है, बार बार पूछ रहे हैं। हाँ ठीक है, अच्छा सफाई दुरुस्त कर लो, दुरुस्त कर ली गई, उसको बता दिया गया था जैसे पहली तकबीर करके नियत बांधेंगे उठ के बैठ जाना। अब ये बड़े वीर ने सफाई दुरुस्त कर ली, मुसल्ले पर खड़े हुए, पहली तकबीर कही, नियत बांध लिया और सना पढ़ना शुरू कर दिया। पीछे से देख रहे, अरे अब उठ रहा है, उठ क्यों नहीं रहा है, सना मुकम्मल, दूसरी तकबीर हुई, दुरूद पाक पढ़, उठ नहीं रहा है, तीसरी तकबीर कही, दुआए मैयत पढ़ी, चौथी तकबीर पढ़ी, सलाम पढ़ा, जल्दी ही काले जाके दफन कर। उसके मुंह से हटाया चादर को और देखा नाक का हाथ रखे, हकीकत में सांस बंद, हकीकत में सांस बंद हो गई, बड़े परेशान, अरे हुजूर गजब हो गया, अरे हुजूर रुक जाइए गजब हो गया क्या, अरे लेटा था सिद्धा मर गया, लेटा था सिद्धा अब मर गया हकीकत में। अरे तुमने तो कहा अपने तो पहले नहीं। अरे सरकार बहुत बड़ी गलती हुई, उसका बाप दौड़े दौड़े गया, कदमों में गिरा, हुजूर यही एक ही चरा घर में था, यही भूल गया, यही मुहावरे की लाठी है, सारा यही चला गया, तो मैं लगता हूँ। अरे मैं जाकर हूँ भाई, ले जाना दफन कर। अरे हुजूर आपके पास बड़ा कमाल है, अब क्या कमाल है, अरे ये मर तो गया है, अगर आप ठोकर मार दोगे तो सिकरा भी। अब वो रोने लगा, आप
अल्लाह के वली थे, वलियों के सरदार आपको रहमान। आपने कहा चल भाई मेरे बुढ़ापे का यह सहारा है। गए और जाने के बाद में उसका नाम लेकर आवाज मारा ठोकर वाले बड़ा बड़ा उठ के खड़ा। तो बड़े पीर की ये शान है। हाँ गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम बहुत ही बुलंद वाला मकाम है। अल्लाह अकबर। आइए जरा गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक बात और सुना फरमाए, उसके बाद मैं आपसे दुआ सलाम करूंगा। सही है ना? वो बात दुआ सलाम कर लूंगा। इमाम साहब हर जुमा में आपको समझाते हैं, बड़े नेक लग रहे हैं बेचारे। हाँ मैंने तो पहली बार दुआ देखा। बड़े बड़े खलीफ आदमी है, मुनकसरुल मिजाज है आप। इमाम को अच्छी मिजाज से आप देखो और कदर करो। भले इमाम कभी अच्छे इमाम कभी मिलते हैं, और इस उम्र में इतना भलापन होना बड़ी बात है। उम्र मत देखो, अरे 40 साल 50 साल का भी चौपट हो मान लो। हाँ उम्र मत देखो, काम देखो, काम किरदार देखो। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला के जमाने में एक बुजुर्ग थे वली काबिल, जिनका नाम अब्दुर्रहमान कफ़सोंजी रहमतुल्लाह हज़रत अब्दुर्रहमान कफ़सोंजी रहमतुल्लाह तआला ने अपने मुरीदों के दरमियान खिताब फरमा रहे थे। वाजो नसीहत करते 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 जलाल की हालत में आपने फरमाया, मेरा मकाम वलियों में ऐसे है जैसे परिंदों में सारस परिंदा की गर्दन। बगुले गर्दन देख रहे हो ना? बगुले, बगुला समझ रहे हो? बगुले की गर्दन कितनी ऊंची होती है। जो परिंदे हैं, सुगोटी है, फलान बखान है, इन तमाम परिंदों से उसकी गर्दन ऊंची होती है। तो उन्होंने कहा परिंदों में जैसे गर्दन ऊंची सारस की होती है बगुले की, ऐसे वलियों में मेरा मकाम ऊंचा है। उन्हीं मुरीदों में बड़े पीर का एक मुरीद भी बना। अल्लाह सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या औस मदद, बड़े पीर का एक मुरीद भी बैठा था जिसका नाम अबुल हसन। उन्होंने सुना, सुनने के बाद में इन्हें भी जलाल आ गया। ए वो जुमला वापस लो, अरे जुमला वापस लो। अरे ये मकाम तो शहंशाह बगदाद का, तुम्हारा कैसे? क्या कहा उन्होंने मुरीद ने? ए जुमला वापस करो, आपकी विलायत मुसल्लम है। विलायत को हम मानते हैं, आप बहुत काबिल वली हैं, मगर वलियों के आप सरदार नहीं हो सकते। वलियों के सरदार तो शहंशाह बगदाद है, हमारे पीर हैं तो खास जुमला वापस करो। कहा अरे ऐसी बात कर रहे हो? कहा अगर नहीं मानते हो तो आओ दो चार हाथ। अब्दुर्रहमान कफ़सोंजी ने उसी भरे महिमा में अपने जिस्म से कपड़ा उतार दिया। सत्र और जो सत्र छिपाने का हुक्म है उसको छोड़कर पूरे बदन से कपड़ा हटा दिया। हटाने के बाद में कहा अगला समय है अब्दुर्रहमान कफ़सोंजी, आओ आओ हमारे साथ। अब्दुर्रहमान कफ़सोंजी मिंबर पर बैठे बैठे देख रहे हैं, अरे ये अपने पीर की मोहब्बत में बड़ा काबिल लग रहा है। इसके हर हर बाल से, हर हर बाल से पीर की मोहब्बत की छलक आ रही है। अब्दुर्रहमान अपना लिबास, अपनी गुजरी, अपने जिस्म पर डाल लो, हमारी आंख में ताप नहीं है कि बर्दाश्त करो, जल्दी करो। अबू हसन ने कहा जब मैं जलाल की हालत में आता हूँ और जिस्म से गुदड़ी उतारता हूँ तो उस गुदड़ी को दोबारा जिस्म में नहीं डालता। अरे जल्दी कर, जल्दी कर, हमारी आंख में ताप नहीं है बर्दाश्त करने। आपने कहा अगर यही चाहते हो कि लिबास डाल दो तो वही मजमे में खड़े होकर
आपने आवाज दिया अपनी बीवी को, ऐ फातिमा मेरा कपड़ा उठा के मुझे दे दे, मैंने अपना कपड़ा जान से उठा लिया। अल्लाह अकबर, आपने आवाज दिया, आपकी बीवी ने सुना और सुनने के बाद अपने घर से कपड़ा उठा के दे दिया। अबुल हसन ने अपने हाथ में ले लिया और अपने जिस्म पर पहन ली। अल्लाह, यह आपकी खून और आपकी बीवी की सनात ताकत का यह आलम है। मोबाइल तो आज ही रात हुआ है, बोलो मोबाइल से आज देखा जा रहा, आज बात की जा रही है। उस दौर में कहा मोबाइल एक लाइब्रेरी का दौर में कहा था। अरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला का एक मुरीद था, सीरिया का रहने वाला, आपकी बातों को सुना करता था, आपके खिताब को सुना करता था, काफी दिन तक गुजार दिया। एक मरतबा हुज़ूर गौसे पाक ने फरमाया, अरे अब तुम अपने घर चले जाओ, अभी मैं आता हूँ, तुम अपने घर चले जाओ, तुम्हारा हक तुम्हारे बच्चों पर है, बाल बच्चों पर है। कहा हुज़ूर मुझे घर जाने की इजाजत न दी, मैं नहीं जाऊंगा, मैं आप ही की खिदमत में रहना चाहता हूँ और आपका बयान सुनना चाहता हूँ, आपकी ज़ियारत हमेशा हमेशा करना चाहता हूँ। सूर से पाक ने कहा नहीं जाऊंगा, अपने घर जाओ बच्चों के पास। हुज़ूर फिर आपका हम खिताब कैसे सुनेंगे, हम नहीं जाएंगे, हमको यही रहने दो। कहा नहीं, तुम्हें जाना है। अरे हुज़ूर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, आपका बयान अगर यही बयान है, बयान सुनना है तो अपने घर जाओ सीरिया शाम में, और वहां जब तुम्हें सुनने का शौक हो तो फजर की नमाज पढ़ने के बाद एक एहसान कर लेना, एहसान जानते हो, एक लकीर खींच लेना और उसी लकीर के अंदर बैठ जाना और मेरा तसव्वुर कर लेना, फजर के बाद जो मेरा खिताब होगा मैं बैठ कर खिताब बगदाद में करूंगा, मगर मुल्क शाम सीरिया में तो बैठ कर मेरी ज़ियारत करेगा और मेरा खिताब। लाइट तेरी काश तो आप चला है, ये खड़ा खड़ा, ये उस दौर में नहीं था। ये सब गौसे पाक रज़ी अल्लाहु तआला की शान है। बाज़ में ये कर रहा था कि अबुल हसन ने गुदड़ी पहन लिया, पहन लेने के बाद अब्दुल रहमान कबसूर जी ने बुलाया, कहा करीब गए, कहा ये बताओ तुम्हारे पीर जब इतने काबिल हैं और वलियों के सरदार हैं तो कुर्बे खास में एक मजलिस लगती है, 12 साल से मैं वहां जाता हूँ। किसने कहा? अब्दुल रहमान कबसूर जी ने कहा, 12 साल से मैं वहां जाता हूँ। कसीदे गौसिया में पढ़ लीजिए, इशारा है मकामी मखदा मुखदा, ये लफ्ज आया, वो तीनों लगा मीम पर जन्मा दी है, फतह दी है, कसरा दी, कोई भी आपस में। तो आपने अब्दुल रहमान कबसूर जी ने कहा कि 12 साल से कुर्बे खास में एक मजलिस लगती है जिसमें मैं जाता हूँ, जब तुम्हारे पीर इतने बड़े हैं तो हमको वहां नजर क्यों नहीं आते, क्यों नहीं नजर आते? तो कहा ये तो सरकार बड़े पीर ही बता पाएंगे, हम क्या बताएंगे, हम क्या बताएं, चलो सरकार बड़े पीर ही बताएंगे। तो अपने चंद मुरीद को अब्दुल हसन के साथ में भेजा और कहा तुम जाओ शहंशाह बगदाद के पास, देखो क्या बताते हैं। अबुल हसन के साथ अब्दुल रहमान कबसूर जी के चंद मुरीद गए और जाने के बाद पहुंचे, और पहुंचने के बाद हमने कहा हुजूर मेरे पीर ने ये कह के भेजा है कि 12 साल से कुर्बे खास में एक मजलिस लगती है और मैं बराबर जाता हूँ, तो शहंशाह बगदाद ने फरमाया जाकर अपने पीर अब्दुल रहमान कबसूर जी से कह दो कि अभी चंद ही दिन हुए हैं, अल्लाह की जानिब से विलायत के जोड़े मिले हैं और उस जोड़े पर कुलहुल्लाह शरीफ की ये सूरत लिखी हुई है, वो जोड़ा हरे रंग का है और अल्लाह हाथ से पाक है, अल्लाह अपने हाथ से नहीं
इतने दूर कि हम उनको नजर नहीं आते हैं। जो बरामदे में होता है कोठरी वाले को नहीं देख पाता। बोलो उसका जो बरामदे में होता है, घर का बरामदा आपका, बरामदे में बैठ जाओगे और मकान के अंदर जो होगा रूम में उसको देख पाओगे नहीं। तो उसे पाक ने फरमाया कि कह दो उनसे कि अभी उनका मकान बरामदे वाला है और मेरा मकान कोठरी वाला है। मैं कोठरी में रहता हूँ, मैं अंदर रहता हूँ, यानी इतना खास रहता हूँ। अभी वो बाहर ही रहते हैं तो बाहर वाला अंदर वाले को नहीं देख सकता है, अंदर वाला बाहर वाले को नहीं। ये बड़े पीर हो से पाक जो नाव का नाम हो जब वो आए मुरीदों ने सुनाया। सुनाने के बाद में अब्दुल रहमान कसूम जी ने कहा गलत 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 हमने जो कहा था वलियों के हम सरदार ये गलत है। वलियों के सरदार शहंशाह बगदाद है, वलियों के सरदार शहंशाह बगदाद है और हमारे भी सरदार शहंशाह है। ये गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु गौसे पाक से आप सच्ची मोहब्बत रखो, सच्चा लगाओ। गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पढ़ा है तो नहीं पढ़ा है पढ़ा नहीं 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 पढ़े वो इसे बड़े पीर हो गए। बोलो पढ़े है ना? हाँ पढ़े। अच्छा ये बताओ कि बड़े पीर दुनिया में आए तब पढ़े कि आने से पहले ही पढ़े? आने से पहले 18 या 17 पारे तो सुना ही दिए थे, मगर दुनिया में हमको ये सबक देने के लिए कि आपने मदरसे में तालीम हासिल अपने बच्चों को आप तालीम सिखाओ। गौसे पाक रजी अल्लाह तआला ने इतने तालीम में इतने मशगूल रहे और इतना पढ़ा कि आज हमारा बच्चा पढ़ता है।